हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी किसके लिए, देखते हैं। पहले हेडिंग डाल लीजिए, कंपेयर स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इजी है स्टेबिलिटी। लेकिन जब हम स्टेबिलिटी बात करेंगे तो हम यहां बात करेंगे स्टेबिलिटी के अंदर दो फैक्टर। फर्स्ट, स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल की दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल है, वो एक अलग ऑर्डर हो गया। उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है या कम है, ठीक है, बस ये ज़्यादा या ये ज़्यादा वाली चीज़ है। एक ही मॉलिक्यूल की दो अलग अलग हाइपोथेटिकल होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो अलग अलग हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कंपेरिजन। और दूसरा है हमारे लिए स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन टू रेजोनेटिंग कंपाउंड जिनमें रेजोनेंस है। कंपाउंड दोनों में कंपाउंड है, यहां अलग फैक्टर होगा यहां अलग होगा, आ रही है बात समझ में? तो हमारे लिए सबसे पहले क्या पढ़े हम, स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। यहाँ हमें सेम मॉलिक्यूल है, हमें ये नहीं देखना कि मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल एक ही रखना जरूरी है, ठीक है ना, वो हमारे लिए यहाँ आएगा। तो शुरू करें, स्टेबिलिटी कंपैरिजन बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ये मेन हेडिंग रहेगा आपका। तो हमारा क्या रहेगा मेन हेडिंग, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। सही है। तो हम ऐसा देखते हैं कि एक ही कंपाउंड बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, बनाता है या नहीं बनाता? तो जब एक ही कंपाउंड अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो उसमें सब कौन से फैक्टर हैं जो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे? फर्स्ट, अब एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, लेकिन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हेडिंग इसी के अंदर रहेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल। लेकिन ये जरूर चेक कर लेना कि वो आपस में एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही गलत बना दी, तो फिर कंपैरिजन किस बात का? लेकिन क्योंकि एग्जामिनर देगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बना के देगा आपको। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर स्टेबल, सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर भी यही रहेगा। सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच मोर ऑक्टेट, जिसमें ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट वाले एटम्स हैं, मोर ऑक्टेट एटम्स इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होगी। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए और दोनों ही फैक्टर सपोज सेम है तो हम आगे दे जाएंगे, ठीक है ना। सब तो आगे क्या जाएंगे हम, उस जगह हमारे पास होता है न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन आयन स्ट्रक्चर। ध्यान रहे कि ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ये फैक्टर लगाते वक्त सब। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन
आयन स्ट्रक्चर, किसी में आयन है तो। नेक्स्ट, अब अगर आयन भी है, सपोज सब कुछ बढ़िया है हमारे पास, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास है उतना ज़्यादा स्टेबल है। मतलब दो आयनिक स्ट्रक्चर है, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्टेबल हो गया। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो फिर हम कैसे देखेंगे उसके बाद। सेम चार्ज, यानी सेम चार्ज का मतलब सेम साइन चार्ज, सेम साइन चार्ज शुड बी अवे एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट साइन चार्ज शुड बी क्लोज, शुड बी क्लोज, यानी क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट चार्ज पास में हो और सेम चार्ज दूर है, शुड बी क्लोज फॉर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर ये सब कुछ भी सेम आ गया तो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सारे पॉइंट्स, फाइव के फाइव पॉइंट्स आप लगा दो, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आराम से ऑर्डर डिसाइड हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्टेबिलिटी ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए, ऑब्वियसली दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक सिक्स पॉइंट जो हमारे लिए नॉट रहेगा, हमेशा हमारे लिए काम आएगा, मोर रेजोनेटिंग, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर कॉन्ट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लाइक मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव्स मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस मोर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसी की भी वो ज्यादा स्टेबल होती है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। सेम मॉलिक्यूल के लिए हैं सब चीजें। हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी आपने हाइब्रिड बना दिया स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर एनी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारे पास जो सेवन पॉइंट्स हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होती है, हाइब्रिड, फिर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर ये सारे पॉइंट्स लगेंगे। कोई डाउट नहीं है, सबको लिख लो।